तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही बड़ा और हैंड ह्यूज स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो फ्रेंड्स जो आईटी लखनऊ का पुराना वाला गेट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, नया बन रहा है, पुराना वाला शायद हटा दिया गया। तो फ्रेंड्स केएनआईटी सुल्तानपुर के कंपेरिजन में कॉलेज काफ़ी ज़्यादा लश ग्रीन गवर्नमेंट यहाँ का बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं कैंटीन वगैरह। एकेडमिक सेंटर है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स हम लोग का ओल्ड, यहाँ पर हम लोग का ओल्ड एकेडमिक्स है, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर की क्लासेस होती हैं, देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टूडेंट्स का गेम वगैरह चल रहा है, देख सकते हैं कितनी बड़ी फील्ड है, स्टूडेंट्स का गेम वगैरह चल रहा है यहाँ पे फुटबॉल। फ्रेंड्स ये हम लोग का फीड डिपार्टमेंट का बिल्डिंग है जो कि ये है। फ्रेंड्स ये हम लोग का सेंट्रल वर्कशॉप है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और कोर ब्रांचेज जो होती हैं उन सब का वर्कशॉप है ये। तो चलते हैं अंदर को। सो फ्रेंड्स केएनआईटी सुल्तानपुर के कंपेरिजन में काफ़ी बड़ा ह्यूज और वेल मेंटेन्ड है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हर जगह यू आर अंडर सर्विलेंस, मतलब कैमरा वगैरह हर जगह लगे हुए हैं, देख सकते हैं चारों साइड पे एज यू कैन सी। बट फ्रेंड्स केएनआईटी सुल्तानपुर में ऐसा नहीं है, वहाँ पर कहीं भी कैमरा नहीं और हॉस्टल्स में इतनी मतलब चीज़ें, मतलब स्टूडेंट्स जो है इतना बच्चे तोड़ फोड़ करते हैं, इतना तोड़ फोड़ से मचाते हैं वहाँ पे कि सब कुछ वहाँ पर खराब, वहाँ का डेकोरम एकदम खराब हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और बाकी सीट्स सब एकदम तोड़ ओड़ देते हैं, टॉयलेट्स वगैरह बिल्कुल भी साफ नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पर केएनआईटी सुल्तानपुर में बिल्कुल भी कैमराज नहीं है। बाकी यहाँ पर एकदम सब कुछ चीज़ें वेल मेंटेन्ड है, क्यों, क्योंकि इसी सीसीटीवी कैमराज की वजह से। तो फ्रेंड्स फाइनली मूव करते हैं आईटी लखनऊ के हॉस्टल्स की तरह, देख सकते हैं वेल मेंटेन्ड है सारे। यहाँ पर यार फोर बिल्डिंग तक के हैं, मतलब फोर फ्लोर तक के हैं, बाकी केएनआईटी सुल्तानपुर में सिर्फ थर्ड, मतलब इन्हें वेल मेंटेन्ड नहीं है यार, देखते हैं कितनी नई बिल्डिंग बन रही है, काम वाम चालू है। तो सब हॉस्टल्स वगैरह हैं केएनआईटी के, एक्सप्लोर करते रहते हैं। हॉस्टल है, ये भी हॉस्टल है, आरएमएल हॉस्टल, वेरी वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पर फ्रेंड्स इवन बिल्डिंग जो है हॉस्टल की वेल मेंटेन्ड है और वेल कंस्ट्रक्टेड है, यहाँ पे देख सकते हैं फोर फ्लोर तक के हॉस्टल है और वेल एकदम मेंटेन्ड है अच्छे से। देख सकते हैं हॉस्टल का भी कितना सही डिज़ाइन है, वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड है। यहाँ की रोड्स और एकदम जो लेन डिवाइडर वगैरह एकदम सब वेल मेंटेन्ड है, इसीलिए आईटी तो आईटी लखनऊ ही है यार, काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड है। यही एक बेनिफिट रहता है यार कि मतलब अच्छी सिटी, फॉर एग्जांपल लखनऊ, अगर ये वाला कॉलेज मेरे को मिल जाता काफ़ी बढ़िया रहता, तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत सही होता है यार। ये कैंटीन एकदम वेल मेंटेन्ड है। चलते हैं इस साइड की ओर पे। इतनी लंबी रोड है, एकदम स्मूथ है, नई बनी हुई है, मेरा तो मन कर रहा है रेस करने का। बाय द वे मेरा तो एक मोटो व्लॉगिंग का भी चैनल है रेसिंग का, यू कैन चेक इट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स क्लब बन रहा है एज वी कैन। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही बड़ा और हैंड ह्यूज स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बन रहा है एज वी कैन सी, अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। एंड फ्रेंड्स ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है यहाँ पे, ये बहुत ही बेस्ट चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पर एक छोटा सा स्टूडेंट्स के लिए एम्बुलेंस वगैरह जो होता है वहाँ का, ये छोटा सा मतलब जो है क्लिनिक है, एम्बुलेंस वगैरह का छोटा सा मतलब क्लिनिक है, यहाँ पे शायद डॉक्टर वगैरह भी बैठते होंगे, तो काफ़ी यहाँ पर सही है। बल्कि केएनआईटी सुल्तानपुर में है तो, लेकिन ना वेल मेंटेन नहीं है यार, मेरे कॉलेज में इतना वेल मेंटेन नहीं है। एंड फ्रेंड्स यार यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यार सच में कितना बड़ा है, देख सकते हैं इतना बड़ा, कुछ कहा नहीं आ सकता यार, कुछ कहा नहीं आ सकता, इतना ज़्यादा बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ का। फ्रेंड ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यार सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है यार, ये वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन रहा है आईटी लखनऊ का, इसमें बैडमिंटन क्रिकेट फुटबॉल हर एक चीज़, अभी हॉस्टल वगैरह है फैकल्टी का। फर्स्ट ऑफ ऑल यार यहाँ की रोड वाइब्स बहुत अच्छी आ रही हैं, यहाँ पर ग्रीनरी और लेस ग्रीन प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा हैं,
और रोड्स वगैरह एकदम वेल मेंटेन्ड है, देख सकते हैं एकदम सब कुछ अच्छे से। प्लांट्स यहाँ पे ट्रीज वगैरह ये बहुत ज़्यादा है, ट्रीज और वेजिटेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आने में, एकदम फ्रेश एयर है। हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वी कैन सी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डस्टबिन है हर जगह, तो इतना पॉल्यूशन भी नहीं होता है, इसी वजह से हर जगह इतना नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है हर जगह। ये बहुत ही सही चीज़ है यार, ये मेरे कॉलेज के एनआईटी सुल्तानपुर में तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा एनवायरनमेंट, तो ऐसा लश ग्रीन और वंडरफुल एनवायरनमेंट मेरे कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है यार, क्योंकि वहाँ का डेकोरम ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड जो पुराना वाला गेट था वो तोड़कर नया बन रहा है, तो वहाँ का फ्रंट का व्यू तो मैं ले नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे क्लोज है, देख सकते हैं बैनर वगैरह लगा हुआ है। पूरा व्यू दिखा देता हूँ, इस साइड से देख सकते हैं काम वगैरह चल रहा है आगे, एज यू कैन सी काम वगैरह चल रहा है आगे। तो आगे वाला गेट जो पहले था, हमने कई मैचेस देखी हैं आगे की, आगे वाला जो उसका गेट था वो तोड़कर नया बन रहा है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में और वो एकदम से नया बन रहा है।